नमस्ते दोस्तों, आज हम जैन शासन के रक्षक देव श्री मणिभद्र वीर देव के बारे में जानेंगे। श्री मणिभद्र वीर प्रमुख यक्षों में से एक है। वे जैनों के लोकप्रिय देव है। पूरे भारत में मणिभद्र वीर के मंदिर कई कितनी जगहों पर है, लेकिन गुजरात के बनासकांठा जिले में आया हुआ मागरवाड़ा तीर्थ का महिमा अपरंपार है। ये तीर्थ मणिभद्र वीर का मूल प्राकट्य स्थान है। आचार्य श्री हेम विमल सुरेश्वर जी ने लगभग 500 साल पहले 16वीं सदी में वसंत पंचमी के दिन रायन के वृक्ष के नीचे मणिभद्र वीर की पिंड स्वरूप स्थापना की थी। मणिभद्र वीर अपने पूर्व जन्म में मध्य प्रदेश के उज्जैन में जैन श्रावक माणिक शाह थे। ये एक निष्ठावान श्रावक थे जिनके गुरुजी हेम विमल सूरी जी थे। आगरा में हेम विमल सूरी जी के चातुर्मास के दौरान माणिक शाह अपने गुरु के उपदेशों एवं शत्रुंजय की महत्ता से बहुत प्रभावित हुए। इसी प्रभाव के कारण इन्होंने पैदल शत्रुंजय जाकर रायन वृक्ष के नीचे 2 दिन का उपवास रखकर कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। गुरु के आशीर्वाद से कार्तिकी पूनम के शुभ दिन माणिक शाह ने अपने संकल्प का शुभारंभ किया। जब वे वर्तमान के मागरवाड़ा के निकट थे, तभी डाकुओं के एक दल ने माणिक शाह और उनके साथियों पर हमला कर दिया। अपने साथियों की जान बचाने के लिए माणिक शाह ने अपने प्राण गंवा दिए। इनका सर, धड़ तथा शरीर का निचला हिस्सा कटकर अलग हो गए। माणिक शाह जो नौकार मंत्र जाप और शत्रुंजय की पवित्रता में पूरी तरह लीन थे, उत्कृष्ट भाव होने से इंद्र मणिभद्र वीर देव के रूप में पुनः जन्म लिया। शास्त्रों के अनुसार माणिक शाह का शरीर 3 हिस्सों में कटकर 3 अलग दिशाओं में गिर गया था। शरीर का निचला हिस्सा गुजरात के मागरवाड़ा में गिरा, धड़ यानी शरीर का उपला हिस्सा गुजरात के आगलोड में गिरा और मस्तक मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरा। मूलतया भारत में मणिभद्र वीर का ये 3 स्थान ही है, उज्जैन, आगलोड एवं मागरवाड़ा। कहा जाता है कि माणिक शाह के गुरु हेम विमल सूरी जी के शिष्यों को भैरवों की वजह से काफी परेशानी आ रही थी। तभी देववाणी हुई। देववाणी के अनुसार उनके गुरु मागरवाड़ा आए और इन परेशानियों से पार पाने के लिए ध्यान में विराजित हुए। तब मणिभद्र वीर प्रकट हुए और गुरु की परेशानियां दूर करके उनकी सहायता की। मणिभद्र वीर ने भैरवों को वश में किया, जिससे गुरु ने इनका सम्मान करते हुए महासुद पंचमी के दिन मागरवाड़ा में इनके पिंड को स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाया। तब से लेकर आज तक बड़ी संख्या में भक्तगण मागरवाड़ा जाकर मणिभद्र वीर से अपनी समस्याओं के समाधान तथा अपनी परेशानियों को दूर करने में मदद के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि अगर कोई भक्त मणिभद्र वीर देव के दर्शन तथा पूजा 3 स्थानों पर एक ही दिन में अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करते हैं, तो मणिभद्र वीर देव अति प्रसन्न होते हैं। महीने की हर शुक्ल पक्ष की पंचम को भक्तों की बड़ी संख्या यहां आकर इनकी पूजा करते हैं। इनके विशेष दिन रविवार एवं गुरुवार है। सुखड़ी और श्रीफल प्रसाद के रूप में अर्पण किया जाता है। मणिभद्र वीर देव चमत्कारों की रचना के लिए जाने जाते हैं। श्री आगलोड जैन तीर्थ मागरवाड़ा से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ इनके धड़ की ही पूजा की जाती है। भक्त अपनी पूजा मागरवाड़ा में इनके चरणों से शुरू करते हुए आगलोड में शरीर की पूजा कर उज्जैन में सर की पूजा पूर्ण कर सकते हैं। उज्जैन में क्षिप्रा नदी तट पर मणिभद्र वीर दादा का पवित्र मंदिर है। इस मंदिर से एकदम जुड़ता हुआ माणिक शाह का घर था, इसीलिए मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर किया हुआ है। यहीं पे मणिभद्र वीर देव के सर की पूजा होती है। मणिभद्र वीर देव की साधना से परिणाम बहुत जल्दी मिलते हैं। जो साधक इनकी सच्ची साधना करते हैं, उन्हें शीघ्र ही धन प्राप्ति होती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसका कारण है कि यक्ष लोक के यक्षिणी अदृश्य रूप में मणिभद्र देव दादा के भक्तों एवं साधकों को सहाय करते हैं, क्योंकि मणिभद्र वीर देवों का यक्ष
सेना का सेनापति कहा जाता है तथा यक्ष लोक में इनका विशिष्ट स्थान है। श्री मणिभद्र वीर दादा की ख्याति अत्र तत्र सर्वत्र है। ये शमयक धारी देव है, इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरे द्वारा जिनाग्ना विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र।